कवर पॉइंट के दोस्तों असल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हालिया चंद सालों में ऑपरेशनल होने वाले जदीद मिग 35 जंगी प्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं इस दौरान ये भी बताएंगे कि इस त्यारे को किस मुल्क ने क्यों और कब तैयार किया था मजीद ये कि मिग 35 फाइव प्यारे को किस लड़ाका त्यारे को अपग्रेड करके तैयार किया गया है इस त्यारे की खूबियाँ क्या क्या हैं इसकी सबसे मुमताज़ खसूसियत थ्रस वेक्टर टेक्नोलॉजी क्या है और यह त्यारे को खतरनाक बनाने और दुश्मन को नाकों चने चाने में कैसे मदद करती है इसके अलावा इस बात से भी पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी कि दुश्मन इस त्यारे का नाम सुनते ही क्यों खौफजदा हो जाता है इन सवाल के जवाब जानने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हालात से बाखबर हो सके तो दोस्तों इस त्यारे की तैयारी की बात शुरू होती है सत्तर की दहाई के आखिर से क्योंकि उस वक्त सोवियत नेवी ने रशियन से एक नेक्स्ट जनरेशन की की ने नेक्स त्यार त्यारा चंद ही बरसों में बनकर तैयार हो गया था इस त्यारे ने अपनी पहली उड़ान 21 अगस्त उन्नीस को भरी जिसे मिग 29 का नाम दिया गया मगर न जाने क्यों इसे सर्विस में शामिल करने से पहले मजीद अपग्रेडेशन के लिए भेज दिया गया जिसके बाद उन्नीस सौ नब्बे में इसने ना सिर्फ अपनी पहली उड़ान भरी बल्कि इसे मिग ट्वेंटी से मिग ट्वेंटी एम का नाम दे दिया गया इन दोनों पुराने वरियंट्स को दो हजार पांच में गया था। मगर ठीक दो साल के बाद दुश्मन पर तबाही ढा देने वाला मिग सीरीज का सबसे एडवांस और तमाम तर खूबियों से लेस जंगी त्यारा तैयार कर लिया गया रशिया ने इसे इंडिया के शहर बेंगलोर के एक एयर शो के दौरान मुतारफ करवाया उन्हीं सालों में इंडिया ने रशिया से इन को खरीदने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया था लेकिन अभी तक अपनी नाअहली के बायस इस लड़ाका त्यारे को इंडियन फिजाइया की सर्विस में शामिल नहीं किया जा सका इस जदीद त्यारे की कीमत चालीस मिलियन अमरीकी डॉलर है यह त्यारा कोई और नहीं बल्कि मिग थर्टी है

और मिग 35 डी सेरेफेरस हैं आप लोगों को बताता चलूं कि मिग 35 सी को चलाने के लिए एक और मिग 35 डी को चलाने के लिए दो पायलट की जरूरत होती है ये एक 4 प्लस ट्विन इंजन यानी दो इंजनों पर مشتمل मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दिन हो या रात हर तरह के मौसम में दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करके तबाह कर सकता है इसकी लंबाई 17.3 मीटर और हाइट 4.7 मीटर है इसका विंग स्पैन 12 मीटर और विंग एरिया 41 मुरब्बा मीटर है इसका खाली वजन 11,000 किलोग्राम जबकि इसका ग्रास वेट वजन 17,500 किलोग्राम है जहां तक इसके टेक ऑफ वेट का सवाल है तो वो 24,500 किलोग्राम है जबकि इसका लैंडिंग वेट 16,800 किलोग्राम है रफ्तार की बात की जाए तो इसकी रफ्तार इक्कीस किलोमीटर फी घंटा है जबकि खामोशी से दुश्मन पर हमला करने के लिए इसकी क्रूज रफ्तार 804 किलोमीटर घंटा है इसकी रेंज 2000 किलोमीटर और रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है मतलब यह ये कि ये दुश्मन के त्यारों को 1000 किलोमीटर के फासले तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है जबकि इसकी फैरी रेंज तीन एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के साथ तीन किलोमीटर तक पहुंच जाती है जो दुश्मन के लिए मौत से कम नहीं इसकी सर्विस सेलिंग सोलह हजार मीटर है जबकि इसका रेट ऑफ क्लाइम तीन सौ तीस मीटर फी सेकेंड है।, है दुश्मन को भून कर रख देने वाले इसके प्राइमरी हथियारों की बात की जाए तो इसमें एक थर्टी एम mm एम कैलेबर की आटो गन गन्नाश की गई है जिसमें एक सौ पचास से जायद राउंड फायर करने की गुंजाइश होती है जो दुश्मन के त्यारों को मार गिराने के लिए इंतहाई कार आमद है इसके इलावा इस पर आठ हार्ड पॉइंट्स मौजूद है लेजर गाइडेड बम फायर किए जा सकते हैं जहां तक इसके जरिए लॉन्च होने वाले मिजाइल का सवाल है तो इससे हवा से हवा तक मार करने वाले आर सेवेंटी थ्री

एच थ्री के चार एंटीशिप मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं जो हवा से पानी में मौजूद दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं सबसे बढ़कर यह कि इस तैयारे से एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लॉन्च किया जा सकता है जो दुश्मन की कमर तोड़ देने के लिए काफी है मिग थर्टी फाइव में एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी मौजूद है जिसकी वजह से यह पेट्रोल खत्म होने के बावजूद फिजा में रहते हुए अपने टैंक ईंधन से भर सकता है मगर इसमें रिफ्यूलिंग कैपेसिटी क्या है इस मुतल अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें क्लाइमो आरडी थर्टी थ्री एम के दो इंजन लगाए गए हैं जिनमें से हर एक अट्ठाईस आशारिया दो किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर यह त्यारा दुश्मन के हमले की जद में आ जाए तो यह कैसे दुश्मन को शिकस्त देता और खुद बच निकलने में कामयाब हो जाता है याद रहे कि इस जेट में थ्रस्ट वेक्टर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है जो इस जेट की सबसे बड़ी और मुमताज खसूसियत है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट को ये जहाज मैनुपलेट कर देता है यानी इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इंजन के थ्रस्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और त्यारे का रुख पायलट की मर्जी के मुताबिक टर्न हो जाता है जो त्यारे की मैनोरबिलिटी में गैर मामूली इजाफे का बायस बनती है इसी इजाफे की वजह से इस जहाज के पायलट को डॉग फाइट करते हुए बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि इस जहाज में बैठे जब आप पर किसी मिसाइल का अटैक होता है तो आपको बचाने में ही सबसे अहम किरदार अदा करती है मजीद इस टेक्नोलॉजी का एक फायदा यह भी है कि यह त्यारा ट्रेडिशनल रोड से हटकर एमरजेंसी सूरत में किसी भी हाईवे के जरिए ना सिर्फ उड़ान भर सकता है बल्कि टेक ऑफ भी कर सकता है इस एयरक्राफ्ट में लगे रेडार की बात करें तो इसमें जूक एम ई पैसे इलेक्ट्रॉनिकली रेडार लगाया गया है जो किसी भी क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को 120 किलोमीटर के फासले से ट्रैक करके तबाह कर सकता है बैक वक़्त 30 टारगेट्स को ट्रैक करने और 6 टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है मगर यह रेंज किसी भी नेक्स्ट जनरेशन त्यारे की बहुत कम है शायद इसी वजह से इंडियन इंतजामिया की जानब से इसे रिजेक्ट कर दिया गया था मगर रशियन इंतजामिया और माइकन कंपनी का कहना है कि इसकी रेंज को बढ़ाकर 120 से 250 तक कर दिया गया है यानी भारत की बदकिस्मती है कि वो इस त्यारे को अपनी मजीदारे में शामिल ना कर सका। इस त्यारे की तमाम तरह जंगी सलाहियतों को देखा जाए तो पता चलता है कि के रेडार में कोई खामी नहीं है लिहाजा इंडिया अपने नॉन प्रोफेशनलिजम की वजह से इसे लेने से इनकारी है जी तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसके बाद आप लोग कौन से जंगी हथियार या जंगी त्यारे की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम अगली वीडियो आपकी ख्वाहिश के एन मुताबिक अपलोड कर सकें